भिलाई नगर विधानसभा से एक बार फिर देवेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इस बार फिर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के सामने चुनावी मैदान में हैं। देर शाम टिकट की घोषणा होते ही समर्थकों का हुजूम लगा रहा। सर्वप्रथम देवेंद्र यादव सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका जोशीला स्वागत किया। बजरंगबली के सामने माथा टेकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं का और समर्थकों से उन्होंने सीधी बात की। कांग्रेस द्वारा मिली टिकट को लेकर हमने भी देवेंद्र यादव से चर्चा की। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम भिलाई नगर से प्रत्याशी देवेंद्र यादव के निवास स्थान में। चंद सवालात इनसे है, अपने अल्प समय से उन्होंने हमें समय दिया। सबसे पहले इनको टिकट मिलने पर बधाई। मैं ग्रैंड एशियन परिवार का धन्यवाद करूंगा। सर, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में, क्योंकि आपने कार्य तो बहुत किए हैं, कौन सा ऐसा कार्य छूटा है जिसको आप मुद्दा बनाकर काम करें? देखिए, हमारा तो एक ही विषय रहा है, भिलाई की जनता। भिलाई की जनता से स्नेह प्रेम व्यवहार सद्भाव और उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं सरकार से, उसको काम करना। हमने हमेशा जनता के अनुरूप काम किया है। हमने महिलाओं ने हमसे पिछले समय अपील की स्वरोजगार के सृजन करने, तो हमने भिलाई में भिलाई महिला गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया। पिछले समय में युवाओं ने कहा रोजगार की बात, तो हमने यहाँ BPO सेंटर खोला, जिसमें लगभग 500 से अधिक बच्चों लाभान्वित हैं। तो इस तरीके से जो विषय जनता का है, जो विषय जनता कहती है, स्पोर्ट्स के लिए बोला तो हमने बहुत सारे ग्राउंड्स, बैडमिंटन कोर्ट, सारी चीज़ें बनाई। तो आने वाले समय में भी भिलाई की जनता जिस दिशा में भिलाई को आगे बढ़ाना चाहेगी, उस दिशा में बढ़ाएंगे। सर, आपका जो भी मुकाबला है, पिछले बार जो आपके टक्कर में थे, इस बार वो भी हैं, उनको विकास पुरुष माना जाता है, आप भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कैसे इस बार आमने सामने की लड़ाई होगी? भाई, मैं तो ऐसा है कि मैं तो नहीं मानता कि मैं कुछ हूँ, विकास पुरुष और ये सारे जो पुरुष वुरुष हैं, ये सब मैं तो नहीं हूँ। मैं तो भाई आम आदमी हूँ, मैं देवेंद्र यादव हूँ और भिलाई की जनता ही विकास पुरुष है। भिलाई की जनता ही सब कुछ है, भिलाई की जनता ही सब कुछ कराती है, भिलाई की जनता फैसला देती है कि आपको ये काम करना है और उस काम में लोग लग जाते हैं। पिछले समय भी जो पिछले 5 सालों में काम हुआ, कोई मैंने नहीं किया, ये काम सारी भिलाई की जनता ने किया। जनता ने निर्णय लिया, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी और जनता की जो अपील थी उसको हमने क्रियान्वयन किए। तो हम केवल और केवल समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन में ही हैं, बाकी तो जनता सर्वोच्च है। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? सभी भिलाई वासियों से मेरा अनुरोध है, चुनाव आ गए हैं, 17 नवंबर को इलेक्शन है, 100% मतदान, ये हमारा नारा होना चाहिए। इस बार भिलाई आगे बढ़ेगा, 100% मतदान करेगा और कांग्रेस पार्टी 5 सालों से आपके बीच में सक्रिय है, एक बार फिर से पंजे के निशान पर मैं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को आप लोग आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भिलाई नगर से प्रत्याशी, कांग्रेस से प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी। अपने बहुत कम समय से उन्होंने अपना समय दिया, लगातार हम अपडेट देते रहेंगे उनको लेकर और चुनावी समर को लेकर। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। मैं कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि शीर्ष नेतृत्व में मुझे वापस भिलाई विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी केवल भिलाई में चुनाव नहीं लड़ेगी, भिलाई की जनता लड़ेगी, भिलाई की माताएं, बहनें, वरिष्ठ जन चुनाव लड़ेंगे और हम सब मिलकर भिलाई की बेहतरी के लिए चुनाव जीत के आएंगे और आने वाला समय भिलाई का बेहतर है, भिलाई की भलाई का है और भिलाई की प्रगति हम लोग मिलकर करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये इलेक्शन भिलाई की जनता लड़ेगी और भिलाई की जनता के आशीर्वाद से हम लोग काम करते हैं और भिलाई की जनता का जो चाह होती है, जो जनता की इच्छाएं होती है और जनता की ज़रूरतें रहती है, वही हम काम करते हैं। हम लोगों हमारा फॉर्मूला ये है कि जो पीपल्स फार्मूला है, पब्लिक जो कहती है, हम उस पब्लिक डिमांड पे अपना वर्किंग करते हैं। तो आने वाले समय में भी जो जनता के विषय हैं, प्रमुख विषय हैं, मुख्य विषय हैं, उनका हम लोग समाधान करेंगे जैसे पिछले समय में हमने किया। उनका स्नेह प्रेम हमेशा मेरे साथ रहता है। कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ नेताओं का आभार करूंगा, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय शैलजा मैम का, सभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कि उन्होंने वापस मुझे मौका दिया भिलाई से चुनाव लड़ने का। निश्चित रूप से ये चुनाव केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता या मैं नहीं लड़ूंगा, ये चुनाव भिलाई की जनता लड़ेगी, भिलाई की माताएं लड़ेगी, भिलाई की बहनें लड़ेगी, हमारे वरिष्ठ जन लड़ेंगे और मिलजुल कर हम लोग भिलाई की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। 5 साल भिलाई को जी। देखिए, ऐसा है कि आज ही हमारी पार्टी की सारी टिकटें घोषित हुई और लेट कहाँ हुआ? आप ये कैसे जरूर कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले टिकटें घोषित कर दी, क्योंकि उनकी तैयारियां नहीं हुई थी उनके प्रत्याशियों की। हमारी पार्टी तो लगातार तैयार है, 5 साल जनता